नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम लेके आए हैं आपके लिए फेविबॉन्ड, एक बहुत ही मल्टीपर्पज एडहेसिव है और इसका बहुत ही बेनिफिट है। ये 20 रुपए का आता है 25 ml और ये 12 मंथ तक बेस्ट रहता है। इसका इस्तेमाल आप शू, लेदर और इसके बाद में रबर, रेजिन, कैनवास, क्रॉकरी आइटम्स, सिमिलर सरफेस, आल्सो टू सरफेस लाइक ग्लास, सेरेमिक, मेटल ETC, होम्स रिपेयर जॉब एंड सर्विस वर्कशॉप, इनमें सभी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, इसकी क्या है कि अप्लाई ए थिन लेयर ऑफ फेविबॉन्ड ऑन बोथ द सरफेस टू बी बॉन्डेड, डू नॉट बॉन्ड इमिडिएटली। थोड़ा जल्दी इसको ना, जैसे आपने सरफेस पे लगाया है तो उसको जल्दी ना मिलाएं, थोड़ा सूखने मतलब इतना और चिपचिपा हो जाए, एकदम टाइट हो जाए। वो बोल रहा है कि थोड़ा डू नॉट बॉन्ड इमीडिएटली, दोनों चीज़ों को जो चिपका रहे हो तो उसको तुरंत जल्दी मत लगाएं। ये नहीं लगाया और चिपका दिया, थोड़ा इसको रहने दें। वेट फॉर 10 to 15 मिनट बिफोर स्टिकिंग, 10 से 15 मिनट इंतजार करें और इसको प्रेस बोथ सरफेस टुगेदर। आप इसको दोनों सरफेस को दबाएं, प्रेस करें फॉर वेटर बॉन्ड लीव 2 से 3 घंटे में बहुत अच्छा बॉन्ड पकड़ता है। और इसको आप ठंडे और सूखे स्थान पर इसको स्टोर करें और ये 12 मंथ तक मैन्युफैक्चर जो डेट है ये आपकी, इसके 12 मंथ तक ही इसका इस्तेमाल अच्छा रहता है। ये 11-21 का बना हुआ है, बेहतरीन काम करेगा। और इसको अप्लाई करने से पहले आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें जो कि इसमें बताया गया है। इसमें देखो ये साफ साफ छपा है, इसमें ये आपका चप्पल छपी हुई, चप्पल को आप चिपका सकते हो, किसी सोफा की लेदर वगैरह है उसको चिपका सकते हो, और भी आइटम इसमें हैं प्लास्टिक के वो चिपका सकते हो। तो इसमें मेनली इसको चिपकाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको आप लेदर, रबर, रेजिन, कैनवास, जो कपड़ा होता है कैनवास का, जूते में भी आता है कैनवास, और क्रॉकरी आइटम, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको चिपका सकते हो। तो आइए हम इस चप्पल पे आपको आज अप्लाई करके बताएंगे कि कैसे इसको इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे इसको चिपका सकते हैं। सोल उखड़ जाते हैं, जो महंगे जूते होते हैं 2-2, 4-4 हज़ार रुपये के, नाइकी, रिबॉक, एडिडास, प्यूमा वगैरह, रेड चीप के सोल वगैरह, तो आप इसको इससे चिपका सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करता है ये। और मैन्युफैक्चर्ड बाय स्पान इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये स्पान कंपनी द्वारा बनी हुई है। तो सबसे पहले आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करने के बाद ही इसको लगाएं। तो आइए आपको अप्लाई करके बताते हैं एक चप्पल पर इसको अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए मटेरियल इसमें निकल रहा है और ये इसकी जो सरफेस, इसको डस्ट फ्री और स्क्रैच फ्री कर सकते हैं। ये इसका रबर बॉन्ड है और इसको 80 नंबर रेगमाल से इसको थोड़ा, जो इसकी जो सरफेस है उसको स्क्रैच करेंगे, क्योंकि ये जितना अच्छा स्क्रैच होगा उससे अच्छा बॉन्ड पकड़ेगा। तो ये 80 नंबर रेगमाल से इसको सरफेस को आप स्क्रैच कर लीजिए, इससे खुखरा हो जाए, इससे ये बॉन्डिंग बनाने में आसानी रहे। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं कि आप ग्लव्स पहन कर ही इस्तेमाल करें। थोड़ा इसको हम स्क्रैच करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको जितना अच्छी तरीके से स्क्रैच होगा उतना अच्छा मजबूत बॉन्ड बनाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं कि स्क्रैच अच्छी तरीके से करें और 80 नंबर रेगमाल से ही स्क्रैच करें, क्योंकि उससे बढ़िया स्क्रैच होता है। ये सैंड पेपर का 80 नंबर है, इसको इस्तेमाल करें। इसकी 20 रुपये कीमत है, इससे आप अपने घर पर महंगे जूते को चिपका सकते हो और उसको अपना रुपए बचा सकते हो। तो इसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से करते रहें। तो जिस सरफेस पर अप्लाई करना है, ये भी देखो ऊपर गई है, इसको भी अच्छी तरीके से स्केच करना है।
अब इसको निकालेंगे, इस पर डालेंगे। अब ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 20 रुपए का आता है ये, तो इसको दबा के लगाने का। और उसमें उसने बोला था कि थोड़ा जल्दी नहीं करने का, आराम से लगाने का। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब गया इसको अच्छी तरह लगाने के बाद इसके ऊपर बहुत भारी वजन का ये कोई ईंटा ईंट रख देंगे, जिससे ये बॉन्ड मजबूत बना ले और कोई प्रॉब्लम ना हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप इसको 2-3 घंटे रखा रहने दें और तभी इसको हटाएं। ये बहुत ही मजबूत बॉन्ड चिपक जाएगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसको दाव के ढक देंगे।